Assalamu alaikum everyone. सॉरी आज इससे पहले तो जो जो पास हो गए हैं माशाल्लाह उन सबको मुबारक हो, क्लियर हो गए जो है वो 3rd ईयर से क्लियर हुए हैं, शायद कुछ 4th ईयर से हैं। तो ऑफिशियली जो 3rd ईयर से क्लियर हुए हैं वो 4th ईयर में आ गए हैं और जो 4th ईयर क्लियर हुए हैं वो ऑफिशियली जो है वो फाइनली। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आवाज़? हेलो। जी जी आ रही है। अच्छा चलो जी, मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो यार सबको, और जिनकी पोजीशन में आई है उनको ज़्यादा मुबारक हो, जिनकी नहीं आई वो इंशाल्लाह कोशिश करें, अभी एक और चांस है, 1 साल है तो इसमें जो है वो कम बैक करें। अच्छा आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द ऑनकोलॉजी यूनिट। जो पिछला है उसमें डायबिटीज़ हमने पढ़ा था, हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा था, ठीक है, और वो जो पिट्यूटरी मैलिग्नेंसी है वो उसको आप छोड़ दो, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाइपर जो है हाइपरथायराइडिज्म या तो बाद में मैं पढ़ा दूंगा या फिर वो किसी की प्रेजेंटेशन कर देंगे, किसी ना किसी तरह कवर कर लेंगे, तो डिस्कस कर लेंगे। आज जो मेन दूसरा यूनिट है दैट इज द ऑन्कोलॉजी यूनिट। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? हेलो सर, कैंसर की स्टडी को कहते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। कैंसर इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द शिफ्ट इन अ कंट्रोल मैकेनिज्म दैट गवर्न द सेल सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैंसर एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है, मैकेनिज्म जो कंट्रोल का है। ठीक है, जिसमें सेल जो है वो सेल सर्वाइवल का कंट्रोल, प्रोलिफरेशन का कंट्रोल और डिफरेंशिएशन का कंट्रोल। कि सेल जो है वो अनकंट्रोलेबल जो है वो डिवाइड होता रहता है, प्रोलिफरेशन उसकी चलती रहती है और डिफरेंशिएशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का? सर मैच्योरेशन, मैच्योर होना सेल का। हाँ, सेल का मैच्योर होना या जिस जगह का सेल है उस जगह का सेल बनना। यानी कि अगर लंग्स के सेल्स हैं तो वो उसी तरह के सेल बनना, किडनी के सेल्स हैं तो किडनी, लिवर के हैं तो लिवर की सेल्स बने। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि वो उस तरह का सेल नहीं बनता। ठीक है, इमेच्योर सा रहता है। ठीक है, लेकिन उसी स्टेज में जो है वो प्रोलिफरेट करता रहता है, डिफरेंशिएट नहीं होता। तो सेल्स दैट हैव अंडरगॉन नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक नए सेल्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, यूजुअली एक्सप्रेस सेल सरफेस एंटीजन। उनके ऊपर एक एंटीजन होता है, ठीक है, मे बी of the normal fetal type होता है, may display other sign of apparent immaturity। दूसरे साइन, तो एंटीजन आपको नजर आएगा, ठीक है, दूसरे साइन ऑफ अपेरेंट इमेच्योरिटी के नजर आएंगे। may exhibit the qualitative and quantitative chromosomal abnormalities भी आपने उसमें नजर आएंगी, include a various translocation and the appearance of a amplified gene sequence। और कई किस्म के जो है वो जीन सीक्वेंस आपको उसके ऊपर नजर आएंगे। तो ये सारी की सारी जो है जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाती हैं, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये उसके जो है वो चीज़ें हैं जो आपको उस कैंसर सेल्स में जो है वो नजर आती हैं। सच सेल्स प्रोलिफरेट एक्सेसिवली एंड फॉर्म ए लोकल ट्यूमर दैट कैन एक्सप्रेस और इन्वेड एडजेसेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इस तरह के जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत तेजी से जो है वो क्या उसे कहते हैं, उनकी डिवीजन होती है। ठीक है, और फिर आगे अपॉप्टोसिस भी नहीं होता, बस वो डिवाइड करते जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि वो एक लोकल, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लोकल ट्यूमर बनाते हैं। वो लोकल ट्यूमर क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मल एडजेसेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स होते हैं उसके साइड के ऊपर, उनको कंप्रेस करना शुरू कर देता है, उनको इन्वेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये ट्यूमर सेल का काम है। स्मॉल सब पॉपुलेशन ऑफ ए सेल विद इन द ट्यूमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए ट्यूमर स्टेम सेल, उसको कहते हैं। अगर एक ट्यूमर सेल्स बने हुए हैं, ट्यूमर बना हुआ है, तो उसमें अंदर जो स्मॉल पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, जहां से यानी कि ट्यूमर जनरेट होता है। दे रिटेन द एबिलिटी टू अंडरगो repeated cycle of proliferation as well as to migrate to the distant sites in the body to colonize the various organ in the process called metastasis। अब ये स्टेम सेल का काम क्या है, स्टेम सेल्स की एबिलिटी क्या है कि ये रिपीटेड साइकिल्स ऑफ प्रोलिफरेशन में रहता है, यानी कि सेल डिवीजन इनकी चलती रहती है और फिर इनका दूसरा काम क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाती है, बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड पे माइग्रेट होके वहां पे कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके वहां पे कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दैट इज द मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। फिर जनाब सच ट्यूमर स्टेम सेल्स कैन एक्सप्रेस ए क्लोनिजेनिक और क्लोनी फॉर्मिंग कैपेबिलिटी। वो तो हमें पता है कि जो भी ट्यूमर स्टेम सेल्स होगा, ठीक है, सब कॉलोनी ऑफ द ट्यूमर है, ठीक है, उसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या उसे कहते हैं, तो माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाके वो कॉलोनी बनाने की जो है उसमें कैपेबिलिटी होती है, फॉर्मेशन कॉलोनी फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट करता है और फिर वहां पे भी कॉलोनीज उसी तरह ही बनाता है जैसे उसने पहली जगह पे जो है वो कॉलोनी बनाई थी। ट्यूमर स्टेम सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड, अब इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बाय द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है, उसके क्रोमोसोम्स में कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटीज होगी, नॉर्मल क्रोमोसोम से उनका क्रोमोसोम हटके होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग देयर जेनेटिक इंस्टेबिलिटी व्हिच लीड टू द प्रोग्रेसिव selection of a subclones that can survive more radially in the multicellular environment of the host, ठीक है, तो वो फिर फर्दर सब कॉलोनीज बनाते हैं और वो जितने ये जो मल्टी सेलुलर एनवायरनमेंट है होस्ट सेल का उसमें बड़े आराम से जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज जो हैं वो लाजमी हैं और दूसरा सब कॉलोनीज जो हैं वो बनाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव अबनॉर्मलिटीज इन वेरियस मेटाबॉलिक, इसके अलावा मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवे में भी अबनॉर्मलिटीज ले आते हैं, ठीक है। सपोज कि अगर लीवर में हुआ है तो लीवर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्रब साइकिल है, चाहे दूसरे हैं, चाहे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, चाहे ग्लाइकोलाइसिस है, कुछ भी है, तो उस मेटाबॉलिक पाथवे में भी ये अबनॉर्मलिटीज लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स जो हैं ऑब्वियसली वहां पे अगर ट्यूमर सेल स्टेम सेल चला गया और उसने कॉलोनी बना दी तो क्या होगा, क्या है कि उसके क्रोमोसोम्स में ऑलरेडी अबनॉर्मलिटीज है, तो जो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है वो उन सेल्स का जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो कर रहे हैं लिवर सेल्स के वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनमें अबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव अबनॉर्मलिटीज जो है वो ज्यादा आती है। एंड सेलुलर कंपोनेंट अकम्पनी दीज नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और ये सेलुलर कंपोनेंट जो है उसकी मतलब नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन में ये जो अबनॉर्मलिटीज है इसकी वजह से जो है वो नियोप्लास्टिक जो है वो प्रोग्रेशन जो है वो आगे चलती रहती है। तो दो चीजें हैं ट्यूमर स्टेम सेल्स की, एक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है, दूसरी सब कॉलोनी जो है वो क्या उसे कहते हैं बनाने का वो जो है उसमें करैक्टरिस्टिक्स है कि एक जगह से दूसरी जगह जो मल्टी सेलुलर इन्वायरमेंट होस्ट सेल्स का इन्वायरमेंट, और तीसरी चीज क्या है कि वो मेटाबॉलिक पाथवे में भी अबनॉर्मलिटीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से वो आगे जो है वो प्रोग्रेस करते रहते हैं, ठीक है। द इन्वेसिव एंड द मेटास्टैटिक प्रोसेसेस एज वेल एज, ठीक है, सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज, यही थी कि साथ वाले टिश्यू को क्या उसे कहते हैं इन्वेट करना, ठीक है, वहां पे सब कॉलोनीज बनाना, दूसरा मेटास्टैटिक एक जगह से दूसरी जगह जाना, और तीसरी चीज मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज जो लानी होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द कैंसर, ठीक है, काजिंग इलनेस, ठीक है, यही तीन चीजें जो है वो कैंसर की इलनेस की वजह बनती है, कैंसर की वजह से जो इलनेस है उसकी वजह बनती है, और इवेंचुअल डेथ ऑफ द पेशेंट अनलेस द नियोप्लास्ट कैन बी एरेडिकेटेड विद द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, एक तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आ गई, कॉलोनीज बनाते हैं, अपने साथ वाले जितने वो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जितने भी वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको इन्वेट करना शुरू कर देते हैं, कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं, और उसका जो न्यूट्रिशंस हैं वो खुद क्योंकि खुद तादाद में बढ़ते रहते हैं तो ऑब्वियसली जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ही खाते रहते हैं, ठीक है, खुद ही कंज्यूम करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता और इन्वेट भी उनको साथ में कंप्रेस भी करी जाती है। और तीसरी चीज क्या है कि मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज लाते हैं, और यही मेटाबॉलिक जब अबनॉर्मलिटीज आती हैं तो फिर ऑब्वियसली जो है वो दूसरे सेल्स जो है वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं और यही वजह बनती है कैंसर इलनेस की, ठीक है, और अल्टीमेटली डेथ की अगर उस नियोप्लाज्म को जो है वो रेडिकेट ना किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, ठीक है। तो कैंसर सेल बेसिकली या ट्यूमर सेल करता क्या है, एक तो ये है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन और जितने भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है उनको इन्वेट करते हैं, ठीक है, उनको इन्वेट करता है और साथ में मेटाबॉलिक जो है एक मिनट हेलो आवाज आ रही, हेलो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, हेलो आवाज आ रही है, या कोई जवाब दे दो। हेलो 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 तलहा, हेलो सॉरी यार बीच में वो फोन आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जेनेसिस ऑफ कैंसर सेल्स क्या है? ठीक है, तो ये इन्वेसिवनेस, मेटास्टैटिक प्रोसेसेस एज वेल एज अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज, ये तीन चीजें जो हैं किसी भी नियोप्लाज्म में कैंसर की इलनेस की वजह बनती है। और अगर उस नियोप्लाज्म अल्टीमेटली डेथ की वजह बन जाती है अगर उस नियोप्लाज्म को जो है वो एरेडिकेट ना किया जाए, जो ट्रीटमेंट जो भी उसकी मैनेजमेंट है। जेनेसिस ऑफ ए कैंसर सेल क्या है? ए नॉर्मल सेल टर्न इनटू द कैंसर सेल बिकॉज ऑफ वन और मोर म्यूटेशन इन इट्स डीएनए, अगर which can be inherited or acquired। अगर उसकी डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाता है, कोई जीन जो है वो जीन्स में जो है उसके जीन में उसके डीएनए में जो है म्यूटेशन आ जाती है, चाहे वो एक म्यूटेशन हो या वन मोर देन वन म्यूटेशन। यार किसका माइक ऑन है? बंद कर दो। माइक किसका ऑन है? मलिक इब्रार, यार माइक बंद करो अपना। तो डीएनए में एक या एक से ज्यादा म्यूटेशन हो तो वो वजह बनती है कैंसर सेल की, विच कैन बी इनहेरिटेड। इनहेरिटेड भी हो सकता है, विरासती भी हो सकता है, और एक्वायर्ड भी हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर्स भी उसमें हो सकता है कि उसकी वजह से डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज प्रोसेस। ठीक है, एक मल्टी स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग नॉट ओनली मोर देन वन जेनेटिक चेंजेस बट यूजुअली ऑल्सो अदर एपिजेनेटिक जो है वो फैक्टर्स भी है। एपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं तो बताएगा? हेलो सर, उसके आगे ही लिखे हुए हैं हार्मोनल, कोकार्सिनोजेनिक, ट्यूमर। क्या है? मतलब ये क्या करते हैं एपिजेनेटिक फैक्टर्स? फैक्टर्स तो आगे लिखे हुए हैं। एपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या है? किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि के यहाँ पे ये बेसिकली जो है वो डीएनए के म्यूटेशंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो जेनेटिक इनहेरिटेड कोई डीएनए म्यूटेशन आ गई है ना, दूसरा एक हार्मोनल एक्शन या को कार्सिनोजेनिक या कोई दूसरे ट्यूमर प्रमोटर इफेक्ट हैं, वो भी उसमें जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं उस फैक्टर में। तो कहीं क्या उसे कहते हैं कि म्यूटेशन और साथ में ये जो फैक्टर्स हैं इनका रोल जो है ये डेवलपमेंट ऑफ कैंसर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, ये एपिजेनेटिक फैक्टर, फिनोटाइप फैक्टर्स आप कह सकते हो कि जो के कार्सिनोजेनिसिटी को प्रमोट करते हैं, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ जेनेटिक चेंजेस दैट लीड टू द कैंसर। ठीक है, आप लोगों ने शायद इसमें पढ़ा हो, क्या उसे कहते हैं, एंटी कैंसर में पढ़ा हो थर्ड ईयर में, एक्टिवेशन ऑफ ए प्रोटो-ऑन्कोजीन्स टू ऑन्कोजीन्स। कैंसर जब जेनेटिक चेंजेस आती हैं तो दो मेन चेंजेस आती है कैंसर जब होता है। एक क्या होता है कि प्रोटो-ऑन्कोजीन जो है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या है? द एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, दो चीजें होती हैं जो इंसान को या ह्यूमन बींग्स को जो है वो कैंसर से बचाती है। एक क्या है कि प्रोटो-ऑन्कोजीन, ठीक है, और दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो-ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए और ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए तो फिर समझो कि उस बंदे को जो है कैंसर हो जाता है। ठीक है, यही दो जेनेटिक चेंजेस है। दीज चेंजेस आर रिजल्ट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ऑफन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए सर्टन वायरसेस और केमिकल कार्सिनोजन। कोई भी कार्सिनोजन जो है वो या तो म्यूटेशन ले आए या जीन एम्प्लीफिकेशन और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कर दे, किसी तरह की भी जो है वो चेंजेस ले आए डीएनए के अंदर, ठीक है। तो फिर ये दोनों जो ऊपर वाले फैक्टर्स हैं, ऊपर वाले जो कैटेगरी है जेनेटिक चेंजेस हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं सेल्स में। और जब ये दोनों चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो फिर तीन चीज़ें, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन, स्टॉपेज ऑफ अपॉप्टोसिस, डेथ ऑफ सेल्स, वो ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मेटास्टेसिस, ये तीन चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और इसी को हम लोग कैंसर कह देते हैं। कि एक तो सेल्स में अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन डिवाइडेशन शुरू हो जाती है, दूसरा वो है कि वो इन्वेड करने लग पड़ता है अपने इर्द-गिर्द के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को, तीसरा क्या है, डिफरेंशिएशन नहीं होती, कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी भी जगह का, सपोज कि अगर वो ये क्या उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ला माफ करें कैंसर है, तो जो उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके सेल्स का वो नहीं होता, आप डिफरेंशिएशन नहीं होती, वो सेल्स नहीं बनते जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। मुख्तलिफ सेल्स बनी जाती हैं, मॉर्फोलॉजी उनकी चेंज हो जाती है। लिवर में अगर कैंसर है तो लिवर सेल्स नहीं बनते, कुछ और ही चीज़ बन रही होती है, तो जब वो कुछ और चीज़ बन रही होती है तो वो लिवर के काम को परफॉर्म नहीं करती, बल्कि लिवर के काम को जो है वो डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन लॉस हो जाती है, अपॉप्टोसिस लॉस हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू the changes, the two main category genetic changes, that is the activation of a proto-oncogene to oncogene and the inactivation of a tumor suppressor gene, ठीक है। ये दो वजूहत बनती है। Activation of a proto-oncogene to oncogene क्या है? Proto-oncogene are the genes that normally control the cell division. Proto-oncogene एक ऐसा जीन है हर बॉडी में पाया जाता है हर जगह कि जो के सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। Apoptosis and differentiation, अपॉप्टोसिस क्या है? सेल डेथ। डिफरेंशिएशन क्या है? दैट इज द कि हम डिफरेंशिएट करता है कि अगर लिवर की डिवीजन हो रही है तो वो लिवर सेल्स ही बन रहे हैं, ऐसे नहीं है कि लिवर में जो है वो लंग्स के सेल बनना शुरू हो जाए, ठीक है, या लंग्स में जो है वो लिवर के सेल्स बनना शुरू हो जाए, या इंटेस्टाइन में जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स बनना शुरू हो जाए। तो ये डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन जो है इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सेल्स जो है वो इसके इस प्रोटोऑन्कोजीन के कंट्रोल में, ये प्रोटोऑन्कोजीन वो काम करता है। अब जब प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा ऑन्कोजीन में, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सेल डिवीजन कंट्रोल भी खत्म हो जाएगी, अपॉप्टोसिस भी खत्म हो जाएगा यानी कि सेल डेथ भी खत्म हो जाएगी और डिफरेंशिएशन भी खत्म हो जाएगी। वो जो सेल्स की अपनी पहचान है, डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली सेल्स की अपनी पहचान, वो खत्म हो जाएगी, उसके अपने काम खत्म हो जाएंगे। बट विच कैन कन्वर्ट इट टू द ऑन्कोजीन बाय द वायरल और कार्सिनोजेनिक एक्शन, कोई भी वायरल या कार्सिनोजेनिक एक्शन की वजह से वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊपर वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनएक्टिवेशन ऑफ ए ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। बॉडी में एक ऐसा जीन है कि जो ट्यूमर नहीं बनने देता, ट्यूमर को सप्रेस करता है, अगर वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो तब भी जो है ये सारे के सारे काम। Normal cell contain a gene that have ability to suppress the malignant changes termed to tumor suppressor gene, ठीक है, उसको हम लोग tumor suppressor gene कहते हैं या anti-oncogenes कह देते हैं, ठीक है। And there is now a good evidence that the mutation of these genes are involved in many different cancers. बहुत सारे different cancers में जो है वो इन दोनों की म्यूटेशन, इन दोनों जीन्स के म्यूटेशंस की वजह से, इन दोनों जीन्स में जो चेंजेस आने की वजह से जो है वो कैंसर, क्योंकि यही चीजें को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक मैलिग्नेंसी को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा भी सेल डिवीजन को और अपॉप्टोसिस और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा है। जब इन दोनों जीन्स में जो है वो चेंजेस आ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल्स की जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं और वो चलती रहेगी, और वो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मेटास्टेसिस से फिर वो पूरी बॉडी को जो है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी कवर कर लेते हैं और अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट की जो है माफ डेथ हो जाती है। The loss of the function of a tumor suppressor gene can be the critical event in a carcinogenesis, ठीक है। इनका critical event है, मतलब obviously अगर ये दोनों इनका function, इनका ये जो tumor suppressor gene है इनका function खत्म हो जाता है। About 30 tumor suppressor genes and 100 dominant oncogenes have been identified, ठीक है। अभी तक जो है वो तकरीबन 30 tumor suppressor gene और 100 जो है वो डोमिनेंट ऑन्कोजीन जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, फॉर मैलिग्नेंसी कंट्रोल, ठीक है। और ऑन्कोजीन क्या है कि ऑब्वियसली दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड इनहिबिशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये दो मेन जीन्स अभी तक जो है वो कहते हैं कि इनमें जब चेंजेस आती है तो कार्सिनोजेनेसिस की तरफ बंदा चला जाता है, और सॉरी क्या उसे कहते हैं, कैंसर की तरफ बंदा चला जाता है, और ड्यू टू द सम कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल्स क्या हैं? सबसे पहले अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन। ठीक है, the proliferation of a cancer cell is not controlled by the process that normally regulate the cell division and a tissue growth। ठीक है, तो जो कैंसर सेल्स में जो कंट्रोल ऑफ सेल प्रोलिफरेशन है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इट इज दिस rather than their rate of proliferation that distinguish them from the normal cells। ठीक है, और यही rate of proliferation जो है वो उसको differentiate करती है from the normal cells। ठीक है, some normal cells such as neuron have a little or no capacity to divide and proliferate। ठीक है, neuron आपको पता ही है कि वो divide नहीं होते, जो उनका standard एक number है वही रहता है। ठीक है, उनमें ये capacity नहीं होती। but other example that is the bone marrow। अच्छा, brain tumor जो होता है वो किस वजह से होता है? अगर neuron proliferate नहीं करते या उनमें ये capacity नहीं है, उनमें ये changes नहीं है, तो हाउ कम कि हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है? वहां पे फिर किस चीज की वो ज्यादा होती है डिवीजन? एनीबॉडी? चलो मैं पूछता हूँ, कोई बताए ना। अफजाल, अफजाल सर नहीं इसका इलम। अच्छा, अहमद रजा हाशमी, अहमद रजा हाशमी जी सर, ये जो हम लोग कहते हैं सर, ये किस वजह से? जी सर डीएनए में म्यूटेशन की वजह से। बेटे वो तो हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरॉन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि न्यूरॉन का जो है वो कैंसर नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूरॉन का। ठीक है, तो फिर ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? ब्रेन ट्यूमर किस वजह से हो सकता है? ज्यादातर किस वजह से हो सकता है? कौन से सेल्स जो हैं वहां पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है? अलीमुल्ला जी सर पता है कुछ? सर वही फर्स्ट ईयर का सवाल है, और फर्स्ट ईयर आप लोगों ने बहुत फिजियोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ी है। कामरान साहब तकरे थे आप। जीन म्यूटेशन है, सुना है प्री-ऑनकोजीन और प्रोटो-ऑनकोजीन। यार वो तो मैंने आपको बता दिया ना, उसको क्यों रिपीट कर रहे हो आप? साकिब जी सर इसमें जो मेनिंजेस के जो सेल्स होते हैं वो हो सकते हैं मेनिंजियोमा जिसे कहते हैं, और या फिर और जो है लिम्फोमा हो सकता है। लिम्फ के जो सेल्स होते हैं ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर डीएनएस लिम्फोमा। सर न्यूरोग्लियल सेल तो नहीं है? क्या बात, ये कौन है, ये कौन है, किसने कहा है? मुदस्सिर, न्यूरोग्लिया जो है वो वाहिद सेल्स हैं ब्रेन में जो डिवाइड करते हैं, क्या आपको पता ही है? ठीक है, जो न्यूरॉन के साथ साथ होते हैं। तो ज्यादातर जो ट्यूमर होता है ब्रेन ट्यूमर वो न्यूरोग्लिया की वजह से ही होता है। इसकी वजह से न्यूरोग्लिया की अनकंट्रोल्ड डिवीजन, मेनिंजीज की भी हो सकती है, बट न्यूरोग्लिया जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द brain tumor, but other for example bone marrow and the epithelium of the gastrointestinal and have the property to continue rapid cell division। और इसमें आप न्यूरोग्लिया को भी ऐड कर लो। ठीक है, तो ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनमें uncontrolled cell division, rapid cell division होती है। some cancer cells multiply slowly, those in a plasma cells tumor में। ठीक है, some fast cells जिसमें Burkitt lymphoma है। ठीक है, ये कुछ जो cancer cell हैं वो slowly प्रोलिफरेट करते हैं, कुछ जो है वो फास्ट करते हैं, वो आपके सामने जो है वो एग्जांपल आ गई हुई है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ ए फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएशन यही है कि जो लिवर के सेल है अगर वो नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स हैं, डेथ होती है, फिर नए सेल आते हैं, फिर डेथ होती है, फिर वो मेच्योर होते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, फिर नए सेल। ठीक है, जिस तरह आरबीसीज हैं 120 दिनों के बाद जो है वो जो पैदा होता है आरबीसी, वो 120 दिनों के बाद यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह दूसरे आरबीसी आते हैं। ठीक है, तो एक लाइफ स्पैन है हर सेल्स का। इसी तरह स्किन के सेल्स का भी लाइफ स्पैन है, वो शेड करते रहते हैं और नीचे से नए सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। अगर वो शेड ना करें, एपोप्टोसिस ना हो, तो नए सेल बनते रहें, वो नॉर्मल सेल्स को जो कैंसर में अल्लाह माफ करे होता है, वो नॉर्मल सेल्स को कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं, इन्वेट करना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, वो यही है कि जब मेच्योर सेल, जिस तरह कल उसने कहा है, क्या नाम है साकिब ने, कि जब वो मेच्योर नहीं होते और मेच्योर नहीं होते तो डिफरेंशिएट भी नहीं होते, यानी कि उनका वो फंक्शन भी नहीं रहता। तो लिवर सेल्स वो लिवर सेल में कन्वर्ट नहीं होते, वो कुछ और ही इन मेच्योर सेल्स जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं करते। The multiplication of the normal cells involve division of the stem cells into the particularly tissue to give rise to daughter cells। आपको पता ही है, ठीक है। The daughter cells eventually differentiate to become the mature cells of the relevant tissue, ठीक है। एक normal cells जो होता है वो multiplication में जाता है, एक stem cells बनता है, stem cells से वो क्या होता है, एक daughter cell बनता है। वो daughter cell जो होता है वो mature होता है। जब वो mature होता है तो वो उसी तरह का cells होता है जो एक उस जगह का सेल है, ठीक है। उसी तरह का सेल्स होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी वही होती है, उसकी शेप भी वही होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि लिवर सेल्स जो है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, डिवीजन में जाता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, स्टेम सेल प्रोड्यूस करेगा, उससे डॉटर सेल बनेगा और वो डॉटर सेल जब जवान होगा तो वो लिवर सेल ही बनाएगा, उसी वही कैटेगरी का सेल्स होगा, कोई दूसरा सेल्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है टू बिकम मैच्योर सेल ऑफ द रेलेवेंट टिश्यू एंड कैरी आउट देयर प्रोग्राम फंक्शन, और उसका जो फंक्शन है, उन सेल्स का जो फंक्शन है उसको आगे कैरी आउट करता है, उसको आगे परफॉर्म करता है। लिवर सेल्स के सेल्स जो सेल बनेंगे वो लिवर सेल्स के ही बनेंगे और आगे लिवर के ही जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी उनके फंक्शन है। तो बेसिकली होता क्या, फॉर एग्जाम्पल द फिब्रोब्लास्ट बिकम कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मसल सेल्स बिकम द कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। ये आपको पता है कि जो मसल सेल्स के सेल्स बनेंगे वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम ही करेंगे, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट का काम क्या है कि उन्होंने सिक्रीट करने, ऑर्गेनाइज करना है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को जो। तो ये एग्जांपल दी है एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन की और उनके फंक्शन की। ऑन द अदर हैंड वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैंसर सेल, सॉरी, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक में, इज दैट दे डिफरेंशिएट to a very degree in a different tumor, ठीक है। in a general de-differentiate हो जाता है, ठीक है। उसमें de-differentiate to the very degree ना tumor cell in general poorly differentiate। दूसरे लफ्जों में, अगर आम लफ्जों में हम कहें तो उनकी डिफरेंशिएशन जो है वो poor होती है, ठीक है। कैंसर मल्टीप्लाई फास्टर, ठीक है, ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एंड a poor prognosis, ठीक है, than well differentiated cancer cells। तो अपना क्या उसे कहते हैं, जो उन्होंने उनकी डिफरेंशिएशन होनी है, यानी कि एक लिवर सेल से लिवर सेल बनना है, वो लिवर सेल नहीं बनता, या फिब्रोब्लास्ट से फिब्रोब्लास्ट सेल्स बनना है तो वो नहीं बनता, मसल सेल से मसल सेल्स बनना है, आगे मसल सेल्स नहीं होता। तो जब वो मसल सेल्स नहीं बनता तो उसको हम लोग मतलब पुअर डिफरेंशिएशन कह देते हैं, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन कह देते हैं, और फिर लॉस ऑफ जो है वो अपना फंक्शन भी ऑब्वियसली उनका जो है वो खत्म हो जाता है। इन्वेसिवनेस जो है, नॉर्मल सेल्स आर नॉट फाउंड आउटसाइड, ठीक है। आप नॉर्मल सेल्स जो लिवर के सेल है वो लिवर में ही रहेंगे, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के सेल्स है वो वहीं पे ही रहेंगे, जो स्किन के सेल्स हैं वो स्किन के सेल्स में रहेंगे, ठीक है। डेजिग्नेटेड टिश्यू ऑफ द ओरिजिन, की जहाँ की ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स आर नॉट फाउंड इन अ ब्लैडर, पेनक्रियाटिक सेल्स आर नॉट फाउंड इन अ टेस्टिस। आपको पता ही है कि जो जहाँ की सेल है वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो this is because during the differentiation, ठीक है, and during the growth of the tissue of the organ, normal cells develop certain क्या होते हैं spatial relationship with respect to each other, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ यानी कि एक रिस्पेक्ट में रहते हैं, एक बाउंड्रीज में अपने रहते हैं। लिवर सेल कभी भी ब्लैडर के सेल्स को, गॉल ब्लैडर के सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो वहीं पे ही रहेगा, वहां जाके अपनी कॉलोनी नहीं बनाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही महदूद रहेंगे, वहीं पे ही बनाएंगे, ठीक है। वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की तरफ नहीं जाएंगे, उनको जो है तंग नहीं करेंगे। दीज रिलेशनशिप आर मेंटेन्ड बाय द वेरियस टिश्यू स्पेसिफिक सर्वाइवल फैक्टर, एंटी एपोप्टोसिस फैक्टर, ठीक है। वो एंटी एपोप्टोसिस फैक्टर्स कुछ होते हैं, ठीक है। ये जो है क्या उसे कहते हैं, वो इन चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। एनी सेल्स that escaped accidentally loss these survival signals ठीक है undergo apoptosis, ठीक है कि जो क्या उसे कहते हैं इस सर्वाइवल से निकलने की कोशिश करता है वो फिर अपॉप्टोसिस में चला जाता है। उसका मतलब ये है कि स्किन सेल्स जब डिवाइड होना शुरू होते हैं तो जब अपने खास नंबर से बढ़ना शुरू कर देते हैं जो उसका एक नंबर है तो फिर उनकी अपॉप्टोसिस शुरू हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो 100 जो जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं ठीक है खास लिमिट है जब वो उस लिमिट तक पहुंच जाते हैं अनटिल और अनलेस के कोई चेंजेस ना आई हो कोई बीमारी ना हो ठीक है तो फिर उनकी क्या हो जाती है अपॉप्टोसिस शुरू हो जाती है उनकी डेथ शुरू हो जाती है ठीक है। तो ये एक नॉर्मल जो है consequently although the cells of the normal mucosal epithelium of the rectum proliferate continuously as the lining is shed they remain as the lining of epithelium। तो यही कह रहा है कि जो rectum के proliferate है और जो cells हैं वो proliferate करते रहते हैं continuously और उनकी shedding भी उसके साथ से होती रहती है तो वो एक lining जो होती है वो epithelium की वो maintain रहती है वो remain रहती है ठीक है। उसमें ये नहीं है कि shedding नहीं हो रही, अगर shedding नहीं हो रही और प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जीन जो है वो उसमें म्यूटेशन आ चुकी हुई है अपॉप्टोसिस जो है वो सेल डेथ जो है वो रुक चुकी हुई है ठीक है और सिर्फ प्रोलिफरेशन हो रही है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी वो लाइनिंग जो है। कैंसर ऑफ ए रेक्टल म्यूकोसा अगर उसी की हम बात करें बाय द कंपैरिजन इनवेड्स द टिश्यू इन द अदर लेयर ऑफ द रेक्टम ठीक है एंड मे इनवेड द टिश्यू ऑफ द पेल्विक ऑर्गन ठीक है। तो फिर अगर हम नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि वो शेड होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं ठीक है तो एक जो खास नंबर है लिमिट है नंबर्स की वो मेंटेन रहती है लेकिन अगर कैंसर में देखें तो उनकी अपॉप्टोसिस नहीं होती सेल डेथ नहीं होती वो डिवाइड होते रहते हैं तो रेक्टल जो है रेक्टल म्यूकोजा तो दूसरे रेयर ऑफ रेक्टम उसको भी जो है वो क्या उसे कहते हैं इन्वेट करते हैं और साथ में पेल्विक ऑर्गन को भी क्योंकि अब डिवाइड करते जा रहे हैं तो वो साथ में जितने भी नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं उनको इन्वेट उनको कंप्रेस करते रहते हैं उनको इन्वेट करते रहते हैं ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बस करें आगे चले मेटास्टेसिस फिर पढ़ ले और बाकी जो है हेलो पढ़ें आगे चले सर काफी है सर ठीक है ओके यार अल्लाह हाफिज़।